मैम का बंदा तो रोहान को कहीं लेके जा रहा है, रोहान उसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी रात हो रही है, एक रेलवे स्टेशन में आया है। अच्छा, अभी रोहान को और आगे जाना है, वो और आगे चला गया। सही, सिर्फ आपके पेपर हो रहे हैं अभी? पेपर हो रहे हैं। तो अभी कितने पेपर हो चुके हैं आपके? मेरा 4 पेपर हो चुके हैं। अब कितने रह गए? सर 5 रह गए। 5 रह गए, तो कल भी पेपर है। कल भी पेपर। आप तो घूमने आ गए गाड़ी में, तैयारी है आपकी? आपने ही बोला था वो सब तैयारी। मैं ना बोला था, दादू ने बोला था। तैयारी हुई भी आपकी? तैयारी हुआ, पेपर बहुत आसान है। किस चीज़ का पेपर है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप अच्छा, तो उसका टेस्ट दे दिया आपने? उसका टेस्ट अभी दिया तो नहीं है, मम्मा देंगी। अच्छा, मम्मा भी गई थी। सही, तो फिर आपने बोला चलो मौके से फ़ायदा उठाओ, फिर चाचू के साथ घूमने निकल जाओ। चाचू ने बोला था यहाँ पे बैठ के। अच्छा, सारा एग्जाम दादू पर डाल दिया ना। चलो सही, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, बच्चे थे ना, अपनी नानी पर डाल देते थे। जब कुछ होता था ना तो हम बोलते थे हमारी नानी ने पैसे दिए थे, हमें क्या पता। ये देखो भाई, सुबह भी बस आ गई है, बस को तो हटवाओ, ये खुद भी लेट हो रहा है, हमें भी लेट करवा रहा है। चलो भाई, शुक्र फाइनली ये बस हट गई और हम आबादमा अपनी मंजिल की तरफ, यानी डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वहाँ क्या होता है और किसका चेकअप है, तो ये सब हम आपसे शेयर करते हैं। डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ये हम पहुंच गए क्लिनिक, जहां पे आज चेकअप होना था रोहान साहब का, क्योंकि उन्हें जो था सीजनल फ़ीवर हुआ था और दूसरा ये मौसम की चेंजेस की वजह से उनको नज़ला, बुखार, खांसी, तीनों चीज़ें कंटिन्यू थी। तो मैं तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि तमाम लोग के घर पे बच्चे होते हैं और इन ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, केयर करें उनकी। इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा जो सीजनल चेंज हमारे पास आता है, यानी सर्दी से गर्मी जब हमारे पास होती है और गर्मी से सर्दी की तरफ हम जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है जहाँ पे इस तरह के वायरसेस और जो है, अगर हम कहेंगे इलनेस जो है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। और यहाँ पे ये देखें, ये तीनों हमारे घर के बच्चे कितनी शराफत से यहाँ क्लिनिक पे बैठे हुए, कि इनसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ब हैं, रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों को, लेकिन शरारतें वो इनकी अपनी पीक पर हैं, जो कि बच्चों में होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे शरारत ना करें तो फिर बच्चों और बड़ों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अभी हम आपको आगे चल के दिखाएँगे कि इन लोगों ने जो उधम मचाया था क्लिनिक में, वो भी आप हम लोगों के साथ बैठ के एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सुकून से बैठे हैं। प्लानिंग चल रही है इन तीनों की कि किस तरह अपनी शरारतों को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए और इंटरटेन किया जाए वहाँ जो लोग आए हुए हैं अपनी शरारतों से। लेकिन इंटरटेन करना लोगों को, ये तो बहाना होता है बच्चों का। बेसिक पर्पस जो उनकी शरारतों का होता है वो ये होता है कि वो ख़ुद उसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन खुद को कर रहे होते हैं इस तरह की शरारतें करके। और मैं ये कहता हूँ यार कि यही वो टाइम होता है जो कभी रिटर्न नहीं आता, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे इंसान ग्रो हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो ये इन्जॉयमेंट जो है स्लाइटली जो है कम हो रहे होते हैं। एंड ये है कि आपकी लाइफ में जो है वो और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन्जॉयमेंट्स होते हैं जो ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन ये जो बचपन का मज़ा है ना, ये जब चला जाता है बचपन तो याद करते हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूं अपने उस बचपन के दौर को। और यहाँ पे क्लिनिक पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया था, क्योंकि लोगों का रश जो था वो बहुत था और यही वजह थी। तकरीबन आधा घंटा हम लोग जो है वो वेटिंग पर बैठे, और क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो इन्होंने तो आधा घंटा बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठना था। और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है, और ये देखें इरा ये भी आ गई भाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई तो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। तो इन्होंने जब ये इस ग्रुप में शामिल हुई हैं तो जो इन लोगों की प्लानिंग थी, इतने देर से बैठे हुए ये लोग प्लानिंग कर रहे थे अपनी शरारतों को किस तरह से किया जाए, वो तमाम प्लान की इन्होंने। अब टाइम था जनाब इम्प्लीमेंटेशन का कि ये शरारतें जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट करें और जो है इन्जॉय करें अपने इस टाइम को। तो एक अच्छा भी है कि बच्चों ने इन्जॉय किया। और ये था कि यार मैं दुआ करता हूँ इस सीज़न में कि अगर जिसके घर पे जो भी बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको खैर हाफिज़ से रखे। और जिस तरह का सीज़न अभी चल रहा है अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को, बड़ों को, बच्चों को महफूज रखे किसी भी तरह के वायरल से, वबा से। तो ये मेरी अल्लाह ताला की तरफ से दुआ है। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी सी एहतियात करें और कोशिश करेंगे बच्चों को कवर्ड करके रखें, इनको सॉक्स पहनाएं और हैट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। गर्म कपड़े आप इनको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पहनाएं, क्योंकि जो बच्चे हैं वही हमारे फ्यूचर का मुस्तकबिल भी है ये बच्चे, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके वालिदैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्दी के सीज़न की तो मेरे ख़्याल से, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि सर्दी का जो सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला होता है, लेकिन तमाम जो है प्रिकॉशंस के साथ, एहतियात के साथ कि हमारी सेहत या हेल्थ हमारी उससे इफ़ेक्ट ना हो। और ये जनाब हमारा चेकअप कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद बच्चों को मिला थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट, जहाँ पे इन्होंने अपनी शरारतें स्टार्ट कर दी। ये देखें उमर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ कूदते हुए, और यही कुछ अभी रोहान और सुहेब भी परफॉर्म करने वाले थे। तो जब तक बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे और अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि इस उम्र में तो यही काम होता है बच्चों का, तो हमने सोचा कि हम अपनी मेडिसिन्स ले लें। तो हम जो बिल्कुल साथ ही नियरेस्ट मेडिकल स्टोर था वहाँ से हमने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में हमें मेडिसिन्स रेकमेंड की थी रोहान के लिए, वो हमने सोचा वो हम ले लेते हैं जब तक बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड देते हैं और खेल कूद और मस्ती इनको फुल आज़ादी देते हैं और इन्जॉय करने देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये किस तरह से तीनों जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। और हमने अपनी मेडिसिन्स ली, और मेडिसिन्स लेने के बाद हमने इनसे कहा चलो भाई अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का फ़न टाइम हम करेंगे यहाँ पे एंड। और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग जो है और जो फ़न टाइम हमने अपने घर के बच्चों के साथ आज किया तो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लाजमी बताइए ताकि हम आने वाले व्लॉग्स में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। लास्ट में बस ये बताना चाहूँगा कि जब हम वापस आए तो रोहान साहब के लिए तो हमने मेडिसिन्स ले ली, उनका तो चेकअप हो गया, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आज के व्लॉग में जो मैंने वॉइस ओवर किया लास्ट में वो भी थोड़ा सा आपको शायद फ़ील हो जाए उससे। तो हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।